हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेकंड सेमेस्टर एसओएल स्टूडेंट, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट, जो आपका सब्जेक्ट है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। इसमें टोटल आपके 6 यूनिट है, तो 1 से 6 यूनिट के टोटल हमने 33 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ले रखे। हर यूनिट से 4-5 क्वेश्चन को हमने लिया है, ठीक है गाइस। तो एक यूनिट से अगर हमने 5 क्वेश्चन, क्योंकि आपके देख सकते हैं हर यूनिट में 2 चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, तो सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। और इन्हीं में से ना जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, इस टोटल आपके क्वेश्चन पेपर होता है 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन बताए ना 33, इसमें से अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका पेपर इसी क्वेश्चन में से आएगा, और आपको आइडिया भी हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो ठीक है गाइस, तो आपके टोटल 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो आप कर सकते हैं, इजीली पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर से इस वीडियो को देखने के बाद। इससे पहले हमने जो पेपर थर्ड बताया था आपको पॉलिटिकल का, तो उसके भी ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बताए थे वही पेपर में आए हैं। 100% स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी किया, और हमने क्वेश्चन पेपर भी देखा है, तो स्टूडेंट ने बताया कि मैम वही क्वेश्चन आए पड़े जो आपने बताया था हमें वीडियो में, ठीक है। तो इनमें से भी ना तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, तो हम हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा। अगर हम दोनों में करते हैं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम एक में करेंगे, ओके। स्वतंत्रता से पूर्व पार्टी प्रणाली का विकास कैसे हुआ था, विवेचना कीजिए। तो जो भारत अपना स्वतंत्र आज़ाद नहीं होता, उससे पहले ना जो पार्टी सिस्टम थी, विकास कैसे हुआ था जो राजनीतिक का, तो उसके बारे में आपको इसमें बताना है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय दलीय प्रणाली का विकास, भारतीय पार्टी प्रणाली के लक्षण तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ये नाम है, ये एक राइटर होंगे कोई, तो इनके अनुसार ना इसमें आपको भारतीय शासन प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ, जो ऊपर क्वेश्चन है वही इसमें भी आपको बताना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, इसके लक्षण क्या क्या थे, और इनको कार्य या शक्तियाँ पूछे, उनका वर्णन करना है। तो इसमें देख सकते हैं 3 क्वेश्चन को अटैच किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिएगा इसमें पूछा क्या किया जा रहा है। एंड क्वेश्चन जो थर्ड है आपका, विभिन्न पार्टी सिस्टम का वर्णन करें तथा राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ क्या है। जो पार्टी सिस्टम होता है वो क्या कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। एंड जो राजनीतिक दल है उनमें ना चुनौतियाँ जो होती है वो क्या क्या होती है, उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना होता है। तो क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं, भारत में विभिन्न राष्ट्रीय दलों का वर्णन करें तथा भारत में राज्य दलीय क्षेत्रीय दल का वर्णन करें। तो देख सकते हैं, तो क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन बनाए, चैप्टर फर्स्ट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ओके। हर यूनिट से, हर चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है कि जो आने वाला है। राजनीतिक में दलीय व्यवस्था में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करें। 1989-2004 बहुदलीय प्रणाली तथा गठबंधन की रणनीति का प्रारंभ का वर्णन करें। तो इसमें जो आपको यहाँ एक डेट दी गई है, इसके अनुसार जो भी परिवर्तन हुए गठबंधन सरकार में, उन सब के बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, ओके। तो ये देख सकते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। जो यूनिट सेकेंड है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्वाचन व्यवस्था में से संबंधित प्रावधान का वर्णन करें। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत में राष्ट्रीय का निर्वाचन किस प्रकार होता है तथा निर्वाचन के प्रकार और निर्वाचन सहभागिता निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया। राष्ट्रपति का जो चुनाव है किस प्रकार होता है भारत में वो बताना है, उसके प्रकार बताना है, सहभागिता बतानी है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट लेते हैं, और उनकी प्रक्रिया क्या क्या है वो बताना है। इसमें टोटल 4 पॉइंट आपको पूछा गया, चारों के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधित्व व्यवस्था के स्वरूप या प्रकार का वर्णन करें। तो देख लीजिए। क्वेश्चन 10 है, मतदान व्यवस्था के सामाजिक निर्धारक का वर्णन करें। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, या आपसे ये रीजन पूछे या आपका मतदान के बारे में पूछे, दोनों एक ही चीज़ होता है, तो आंसर लिखना है यही। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता या महत्व का वर्णन करें। जो भारत में जो चुनाव होते हैं ना, उसका महत्व बताना, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट बताने आपको कि किस टाइप से जो भारत में चुनाव हुए जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं मशीनों का प्रयोग किया जाता है, बटन दबा के किया जाता है, आप जो भी मशीन यूज होते हैं उनके बारे में सब बताएं। गैस एक चीज़ बता दें, आपका पेपर 10 तारीख को है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि इनके सभी के हम आपको आंसर बता सकेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आपको एक काम करना है कि जो आपको इन क्वेश्चन के आंसर के लिए ना गूगल पर इन क्वेश्चनों को सर्च करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर मिलते हैं ना उसे आपको याद करना है। एंड हमने टेलीग्राम ग्रुप में एक PDF सेंड की हुई है, उसमें इसके आंसर मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, कंप्लीट आंसर वहाँ भी नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको गूगल की हेल्प लेके इनके आंसर को याद कर लेना है। ठीक है, और आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन के आंसर भी आपको बता सकें, जिस टाइप से हमने पहली वीडियो में बताया था अधिकार वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चुनाव आयोग की उत्पत्ति तथा चुनाव आयोग के कार्यों शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो ये देख सकते हैं, इसमें उत्पत्ति के बारे में बताना है, कार्य शक्तियाँ सबके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और प्रतीकों का आवंटन का वर्णन करें। जो राजनीतिक दल के पंजीकरण होते हैं ना गाइस, जैसे अलग अलग आप देख सकते हैं, कमल का बटन दबाओ, तो कोई कहता है हाथी का बटन दबाओ, उस टाइप से आवंटन होते हैं। ओके, भारत में चुनावी आयोग सुधार का वर्णन करते हुए चुनाव आयोग की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। इसमें यह आपको बताना है कि जो भारत में ना चुनाव को लेकर क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं और उसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही है, जिसे हम अच्छे तरीके से सुधारा जा सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका यूनिट कंप्लीट हो गया सेकंड। तो देख लीजिए हमने कितने क्वेश्चन बताए। जो आपका यूनिट सेकंड से चैप्टर फर्स्ट है ना, उसमें टोटल हमने 5 क्वेश्चन बताए, और जो चैप्टर सेकंड है उसमें से हमने आपको कितने 3 क्वेश्चन बताएं। तो इन 3 क्वेश्चन में से ना, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 12 नंबर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं, इसके आगे भी हमने लिख दिया है। इनके आने के चांस ना 90% क्वेश्चन के हो जाते हैं, जो हमने इम्पोर्टेंट यहाँ लिखा है। ओके, तो अब देखते हैं यूनिट थर्ड का चैप्टर फर्स्ट। तो ये देख सकते हैं, जो शिक्षावाद सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन कीजिए तथा आलोचनात्मक निष्कर्ष स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ये और क्वेश्चन ये, भारतीय संविधान तथा सेक्सुअलवाद राज्य का वर्णन कीजिए। एक इन दोनों में से ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जो है 100% आएगा। तो इन इसके ऊपर ना आपको अच्छे से पता होना चाहिए, गूगल पर सर्च कीजिए, आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इसका सेकंड चैप्टर देखिए, औपनिवेशिकवाद और सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसका उदय किस प्रकार हुआ। तो आपको इनके बारे में बताना है, प्लस इनका उदय जो विकास है किस प्रकार हुआ है ये बताना है। सांप्रदायिकता विचारधारा तथा समुदायवाद सैद्धांतिक बहस का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको 3 टॉपिक है, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सांप्रदायिकता और भारतीय लोकतंत्र के पक्ष किस प्रकार चुनौतियाँ है, वर्णन कीजिए। इनकी चुनौती के बारे में बताना है आपको। तो ये देख सकते हैं, इसका बता दिया। इसके बाद हमने जो आपका यूनिट 4 लिया है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। तो हर यूनिट के जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें से 2-3 क्वेश्चन लेने की कोशिश की, कम से कम यहाँ क्वेश्चन लिए गए गाइस, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे, आप 10 ईयर में भी देखेंगे ना, कम से कम वहाँ 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने 33 लिए, हर यूनिट से 4-5 क्वेश्चन। भारत में विशेष रूप से जाति के संदर्भ में शक्ति की संरचना और एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। ये जाति के ऊपर भी ना जो आपका क्वेश्चन आएगा गाइस, तो इनके ऊपर भी आप आंसर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21, भारत के विकास में जाति, आधुनिकता और लोकतांत्रिकता राजनीति के एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। और ये देख लीजिए 22 क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना, इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जिसमें से आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे, उसमें से आपको ओनली 2 पर टिप्पणी करनी होती है। और एक क्वेश्चन जो आपका होता है 7 और एक 8 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये देखिए, जातियों के लिए संवैधानिकता सुरक्षा उपाय, जाति व राजनीति के बीच संबंध, उत्तर भारत में जाति राजनीतिक से लेकर वर्ग राजनीतिक तक, आम्बेडकर ने अपने पुस्तक जाति का उन्मूलन में क्या लिखा है। तो गाइस एक चीज़ याद रखिए कि ये जो अंबेडकर जी है इनके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इनके ऊपर आपको देख लेना है जो उनकी जो राय थी, उनके विचार थे, जो उनकी किताब थी, वो जाति के ऊपर उन्होंने उसमें क्या क्या लिखा था। ओके, तो इंग्लिश वाले इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसका जो चैप्टर सेकेंड है यूनिट का, देखिए, क्या आपको लगता है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को भी आरक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय समानता को कम किया है? यहाँ पर गाइस गलत लिखा है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय आएगा तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग के कारण क्या थे और भारत में महिला आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। आपको इसमें बताना है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में ना महिलाओं ने क्या क्या मांगे की थी और जो भारत में जो महिला का विकास होता है ना उसमें आंदोलन कौन कौन से हुए जिससे महिलाओं का विकास हुआ है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग भी कुछ आंदोलन के यहाँ नाम लिख दे सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट आपका 5 आप बनता है, तो जो यूनिट 5 का आपका क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची तथा जनजाति नीतियों और योजनाओं का वर्णन करें, ठीक है गाइस। तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है, इनके बारे में पता होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और पैसा कानून एवं आदिवासी नहीं किया तथा योजनाओं का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना। एंड ये देख लीजिए, कुछ नोट्स लिखने इस पर शॉर्ट। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरा निवासी अधिनियम 2006 जनजाति शासन एवं विकास पर बाल चंद मुगेश्वर कमेटी की रिपोर्ट। और जो ये नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है जो आपका सेकंड पार्ट से लिया गया है, जनजाति आदिवासी एक समझ, जनजाति आदिवासी विकास और विस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय कानून में जनजाति विकास और शासन का बोध, आदिवासियों के लिए लुप्त होते हुए परंपरा अधिकार, जनजाति विकास और विकेंद्रीकरण नीतियां। तो ये देख लिया आपने क्वेश्चन। इसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, आदिवासी या जनजाति और विस्थापन की समस्या तथा प्रभाव का वर्णन करें। तो एक चीज़ आपको देखना है, आदिवासी लिख के आए या जनजाति लिख के आए तो दोनों एक ही चीज़ होता है। और इसमें ये बताना है जो इनके विस्थापन की समस्या, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उनमें क्या क्या उन्हें समस्या आती है। तो ये जो अपने ना भोजन के लिए, अपने खाने पीने के सामान के लिए अगर यहाँ पर इनको प्राप्त नहीं होता तो यहाँ से ये यहाँ हो जाता है, इसी को विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। तो अपने रोजगार के लिए भटकते रहते हैं ये लोग। तो अब यूनिट 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत का विकासात्मक आयाम, भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में चुनौतियाँ, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, 1991 में भारत आर्थिक सुधार। तो ये वाला भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आ सकता है आपका, ठीक है गाइस। तो ये देख लीजिए, जो इसका चैप्टर सेकेंड है, ये देख लीजिए, ये जो हमने आपको लिखा है ना इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो आपको ये समझ कर रहना, आंसर अच्छे से याद करना है सभी के। तो इस चैप्टर सेकेंड से 2 क्वेश्चन बनेंगे। 3, उत्तर पूर्वी भारत में राज्य द्रोह की समस्या, जम्मू कश्मीर में राज्य परियोजना और आतंकवाद और नस्लवाद आंदोलन का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे कर लीजिएगा। और इसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राज्य और गैर राज्यकर्ता, नस्लवादी आंदोलन, शास्त्रों कानून एवं सरकार द्वारा इसका प्रयोग, उत्पीड़न के संदर्भ में राज्य की प्रकृति, गैर राज्यकर्ता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अधिनियम एवं प्रावधान। एक क्वेश्चन जो आपका लास्ट बनता है, तो ये देख सकते हैं, भारत और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा कीजिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस। तो ये आपके सामने, ये देख लीजिए, कुछ यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। तो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गाइस, इससे कम ना कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ हमने किसी एक चैप्टर या एक यूनिट की बात नहीं की, टोटल हमने यहाँ 6 यूनिट की बात की, जिसमें से 33 आपके क्वेश्चन है। ये एक यूनिट से हमने ना 5 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं हमने लिए, जिसमें से आपके 2 चैप्टर है, तो मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से आपके लिए गए हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ओके, तो इसी टाइप से जो आपका क्वेश्चन देख लीजिए, यही आंसर आएंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको आंसर याद कर लीजिएगा। गूगल पर इनका आंसर सर्च कीजिए, अगर हमसे आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चनों के आंसर बताने की, सभी की तो बताना संभव नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा कि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।